दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, दो दिन के अंदर आप लोगों के 1000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक व्यूज भी आएंगे। दोस्तों आप लोगों को नहीं ना यकीन हो रहा, आप लोग सोच रहे होंगे यार की बकवास कर रहा है, चल इतों निकल गए व्यूज नहीं आते, महीना हो गया वीडियो सुट गया था, तू दो दिन की गल कर रहा सुट्टा तेरे कान दे थल्ले। दोस्तों नहीं 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 नहीं, इतना भी जज्बाती नहीं होना है, मैं सही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आपको खुशी मिलेगी। गुस्सा तो आपको तब आएगा ना जब आपके बढ़ेंगे नहीं, तो दोस्तों आपके बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों आजकल तो मैं देख रहा हूँ नए नए लड़के आ रहे हैं, दो दिन में 1000 सब्सक्राइबर कर रहे हैं, उनके पास भी यही ट्रिक है और मेरे पास भी यही था, और अब भी मैं यानी कि किसी भी चैनल पे दो दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कर सकता हूँ, और आपके भी अभी होंगे अगर वैसे ही आप लोग अमल करेंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो डालते रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मैं डालता रहा 1.5 साल लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो डालता रहा 1.5 साल बाद यूट्यूब ने वायरल की, ऐसा नहीं है। 1.5 साल बाद मैं सही ट्रैक पर आया तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया, मैं गलत रास्तों में भटक रहा था। और आप लोग भी इसी तरह बस सोच के वीडियोस डालते जा रहे हो और सोच रहे हो यार एक दिन वायरल हो जाएगी। दोस्तों 1000 वीडियो भी डाल दोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मैंने असल में किया क्या है। दोस्तों सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, स्टार्टिंग में भला क्या होता था मेरे साथ, जो आप लोगों के साथ भी अभी हो रहा होगा, इसको ध्यान से समझना, फिर वो पॉइंट समझ में आएगा। दोस्तों स्टार्टिंग में ये होता था कि जब मैं वीडियो डाल देता था, वीडियो डालने के बाद मैं YT स्टूडियो खोल लेता था, YT स्टूडियो खोल के क्या करता रहता था, व्यूज देखता रहता था, कितने आए हैं। जब वो व्यूज नहीं आते थे यानी कि कम आते थे, सारे तीर नीचे या सारे तीर ऊपर ही होते थे, फिर भी व्यूज नहीं आते थे, तो क्या होता था, मैं परेशान होता था। जब मैं परेशान होता था नेक्स्ट वीडियो बनाने को दिल नहीं करता था, और अगर कभी नेक्स्ट वीडियो बनाने को दिल कर भी पड़ता ठीक है, तो मैं कैसी वीडियो बनाता, ऐसे थकी सी, ऐसे ना मतलब दिमाग पर प्रेशर था, बोझ था, डिप्रेशन था कि क्यों नहीं व्यूज आए, कहाँ पर मसला, कहाँ गलती कर रहा हूँ। इस वजह से अच्छी वीडियो नहीं बन पाती थी, मैं अपना 100% नहीं दे पाता था। दोस्तों एक दिन मैंने अपना 100% दिया, उस दिन मेरा दिमाग चला और मुझे जो चीजों का पता चला वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वो किस दिन मैंने अपना 100% दिया वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन जिनको नहीं पता बता देता हूं। 1.5 साल बाद जब मेरे भाई मुझे फैक्ट्री में लगवाने लगे थे या चाबियों वाले काम पे, मतलब दोनों में से एक फैसला करना था कि एक काम तो करना है, तो वो मेरा लास्ट डे था इस ऑफिस में, उस टाइम पे मतलब मैंने अपना 100% दिया। उस टाइम पे मुझे एक चीज सीखने को मिली जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं, जो मोबाइल पे समझाता हूं, एक ट्रिक, वो आपने अप्लाई करना है। वो क्या ट्रिक पता चला, आइए समझाता हूँ प्रैक्टिकली। दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है यहाँ पर सर्च करना है। मुझे ज़्यादातर मतलब कमेंट कर रहे होते हैं लोग यार वो कुकिंग के रिलेटेड बताओ, तो चलो आपने अपनी मतलब कैटेगरी का पूरा टॉपिक लिखना है। मैं तो वैसे रेसिपी लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं रेसिपी लिख देता हूँ, लेकिन आपने पूरा लिखना है। पूरा क्या लिखना है, जैसे कि कीमा रेसिपी, आलू पालक रेसिपी है ना, इसी तरह। अब कहाँ पर क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे। जैसे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पर दबाना है पहले ऑप्शन पे, और ये नीचे रेटिंग लिखा हुआ है इस पर दबाना है, अप्लाई कर देना है। अब देखो दोस्तों कमाल, यहां पर सारे जो फर्लू चैनल हैं वो आपके पास आ जाएंगे, यानी कि फर्लू चैनल मतलब जो मतलब जिनके व्यूज ही नहीं आते, यानी कि हमारे जैसे चैनल, जैसे हमारे भी व्यूज़ नहीं आ रहे, वैसे ही चैनल जिस पे 500 व्यूज़, 200 व्यूज़, 88 व्यूज़, मतलब इस तरह ना 23 व्यूज़, 18 व्यूज़, ये सारे। अब यहाँ पे पॉइंट एक समझने वाला है जो अभी समझा दूँ, या चलो पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, क्लिक करें, पहला चैनल फॉर एग्जाम्पल ये है, इस चैनल पर क्लिक किया, इधर किया, यहाँ पर पॉपुलर पे दबाए, ये देखे इसने 4 महीने पहले वीडियो डाली और इस पर 17,000 व्यूज, बाकी वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं है, 300, 200, 200, 1,000, इस पर 17,000 आए। अगर आप भी इस टॉपिक पे बनाएंगे तो वायरल जाएगी, लेकिन उससे पहले एक एल्गोरिदम YouTube का समझ के जाना, मतलब आप लोग भाग मत जाना। YouTube का एल्गोरिदम मैं इसलिए सोच रहा था पहले ही बता दूं, लेकिन चलो अभी बता दो तो सुन लेना। YouTube का एल्गोरिदम यह है कि अगर आप मतलब अगर आप किसी पॉपुलर क्रिएटर की वीडियो देख रहे हैं ना, बड़े यूट्यूबर की, तो YouTube उसकी रिकमेंडेशन में, जैसे कि ऐसे यहाँ पर मैंने किसी की भी वीडियो प्ले की ठीक है, यहाँ पर अगर ये बड़ा क्रिएटर है तो यहाँ पर ये बड़े बड़े क्रिएटर्स की यहाँ पर वीडियोस नीचे दिखाएगा। अगर हम किसी छोटे क्रिएटर की वीडियो देखेंगे ना, तो उसके नीचे छोटे क्रिएटर्स की वीडियो दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या समझाना मैं चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर आप इसकी पॉपुलर वीडियो पर बना देंगे, ये बड़ा यूट्यूबर है, इसकी सजेशन में आपकी वीडियो तो जाएगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप छोटे यूट्यूबर हैं, तो आपने छोटे यूट्यूबर की पॉपुलर वीडियो पे अपनी वीडियो बना देनी है उसी टॉपिक पे, तो क्या होगा, इसकी सजेशन में यानी कि नीचे यहाँ पर लोग उसको तो देख ही रहे हैं, क्योंकि उसकी वो वायरल है वीडियो, या जिस जिसने भी देख रखी है उसके ब्राउज फीचर में आपकी भी वीडियो चली जाएगी, उसकी सजेशन में, जब उसके सजेशन में आपकी वीडियो जाएगी वो भी देखेंगे और आपकी भी
वायरल हो जाएगी। समझ गए कहाँ से निकालना है? अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा निकाल लेता हूँ, जल्दी जल्दी से रेसिपी थ्री डोर्स पे क्लिक करना है, अभी खुल जा, फिल्टर पे दबाना है, रेलेवेंस पे, रेटिंग पे, यहाँ पर, और आपने एक चैनल को नहीं खोलना, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, इसी तरह जो आपके सामने चैनल आते जाए आपने सबके चैनल खोलते जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है पॉपुलर, और कुछ की वायरल आपको नहीं मिलेंगी, जिसकी वायरल मिले उस पर आपने वीडियो बना देनी है। यानी कि ये टॉपिक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो अब वायरल नहीं है, जैसे पहले एक वायरल आया था उस टॉपिक पे आपने वीडियो बना देनी है, वैसा मिलता जुलता टाइटल लगाना, थंबनेल भी वैसा मिलता जुलता, और फिर देखना वो भी आपकी वायरल हो जाएगी। जैसे ही वायरल हो जाएगी, ज़ाहिर जब वायरल होगी लोगों को पसंद आएगी, आपको सब्सक्राइब करेंगे, ऑर्गेनिक आपके साथ सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यकीनन आप समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।